नमस्कार मित्रों, अकेली मन्नू भंडारी जी की कहानी जिसके अंदर तीसरे विभाग में हम आज देख रहे हैं, उनके जीवन का एकाकीपन, उनके जीवन की संवेदना कवित्री ने बखूबी से हमारे सामने पेश की है। पहले विभाग के अंदर हमने देखा कि उनका पति का रवैया उनके साथ कितना बिल्कुल संवेदना विहीन है, रुक्ष है और एक प्रकार की अंकुश के अंदर रहने की परिस्थिति है। दूसरे विभाग में किशोरी बाबू के उदाहरण से हमने देखा कि वह किस प्रकार दूसरों के घर पर जाती है, रिश्ते नाश्ते निभाती है और अपना जी रेड़ के वह दूसरों के अंदर काम करती है और काम के जरिए वह अपना समय भी पसार करती है, दूसरों को मदद रूप होती है, काम में हाथ बटाती है, उनकी इज्जत रखती है, बद नहीं उड़ने देती और अपना एक प्रकार से समय पसार करती रहती है। तो एक दो विभाग हमने देखे, अब तीसरे विभाग में इससे भी ज्यादा जो उनके जीवन की दूसरों को मदद रूप होने की, काम में आने की और अपने निजी जो संपत्ति है उसको भी दूसरों के काम के लिए निकाल देने की बात जो वह सोच रही है वह हमें देखने का है। तो आगे की वीडियो में हमने लास्ट में देखा था कि चक्की पिसती हुई दाल पिसती हुई बड़ी बहू ने बोला था कि जो उनके देवर जी को मरे 25 साल हो गए, वह समधी सोमा बुआ के गांव में आकर उनकी बेटी भागीरथ जी के लड़के के साथ संबंध तय किया है, उनकी शादी करने के लिए आ गई, आ भी गए हैं और रौनक आ गई है काम में और काम की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि देवर तो मर गए, 25 साल हो गए हैं, उनके मरने के बाद आज शादी करने के लिए आए, संबंध तो टूटता नहीं है, संबंध तो दूर होता नहीं है, संबंध तो था ही, अगर निमंत्रण मिले या न मिले, पहली एक असमंजस में बात है कि आजकल के नए लोग शायद आमंत्रण न भी दे। तो सोमा बुआ कहती है कि हमें बुलावा न भी हो तो दाद पिसती हुई बहू ने बता दिया होगा। इतने में तो दूसरी उनकी समाचार मिलता है, है बुआ नाम है, मैं तो सारे लिस्ट देखकर आई हूँ, विधवा ननद बोली, बैठे ही बैठे दो कदम आगे सरक कर बड़े बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देखकर आई है ना, नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन के पुराने संबंधियों को बुलाना हो न हो, और बुआ बिना दो पल भी रुके वहां से चल पड़ी, अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। प्योरी राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़के की लड़की की शादी में क्या दिवा जाए है, समधियों का मामला ठहरा, जो भी पैसे वाले खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दू, अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, दो दिन बाकी है, सो कुछ बनाया एक खरीदाना। जब कोई भी अपना निजी संबंध रही नहीं रहा है, बच्चा मर गया, पति सन्यासी जी हो गए 11 महीने बाद, एक महीने आते हैं तो व्यवहार बिल्कुल रुक्ष, संवेदना विहीन, तो दूसरे लोगों के साथ संबंध रखकर, रिश्ता नाता रखकर वह अपने जीवन में एक नई चेतना, नई ऊर्जा या नई संवेदना प्राप्त करके जी रही है। सवाल अब यह हुआ है कि बड़ी बहू ने कह दिया था कि रिश्ता नहीं टूटता देवर जी के मर जाने के बाद, तो गई और जो विधवा ननद जी वह भी बता रही है बुआ नाम है, मैंने लिस्ट में देखा है, शायद हो या न हो, इसने लिस्ट देखा हो या न देखा हो, मगर इसने कह दिया कि लिस्ट में नाम है। वो कहती है आजकल तो नया फैशन चल रहा है, हो सकता है कि अब पुराने रिश्ते इतने भी 25 साल हो गए खत्म कर दिए गए हो और हमारा लिस्ट में नाम न भी हो, आमंत्रण न भी दे, बुलावा न भी दे, मगर जब इससे कहा कि हाँ मैंने नाम देखा है, तो बुआ और ऐसे काफी लोग भी जो दूसरे लोगों पर
अन्य लोगों पर काफी भरोसा करते रहते हैं, और इस भरोसे के बाद वह बिना रुके अपने घर से अपने घर को चली गई। अपने घर पर जाकर भी वह सीधी राधा भाभी के घर पर जाती है। राधा भाभी के घर पर ऊपर जाती है और कहती है कि चाहे 25 साल हो गए देवत जी को मरे, समधी जी से गांव में आए, अब आए हैं तो हमें आमंत्रण भी देंगे, हमें जाना भी पड़ेगा, और अगर हमें जाना है तो खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। फिर वे तो अच्छे खासे रईस हैं, पैसे वाले हैं, हम खाली हाथ तो नहीं जाते। मैं पुराने विचारों की हूँ, अब इस जमाने में इस नए फैशन में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं मिलता है, क्या खरीद कर ले जाना चाहिए, क्या भेंट के रूप में देना चाहिए, वे तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। अब लग्न का शायद 2 ही दिन बाकी रह गया है, और अब 2 दिन में किसी सोने की चीज या चांदी की चीज क्या और कोई चीज बनाने के लिए जाए तो कोई बनाकर भी नहीं देगा, इतना भी समय भी नहीं है, तो इस 2 दिन में क्या बनाया जाए, बनाया जाए, इससे तो अच्छा है कि कुछ खरीद कर ही दे दे। तो ऐसी वह राधा भाभी से सलाह लेती है कि इस नए फैशन में, इस जमाने में काफी बुढ़िया हो चुकी है, अब नए फैशन में लड़के को लड़की को क्या क्या देना पड़ता है वह अच्छे तरह नहीं जानती, उसके जमाने में जो देना होता है वो इस जमाने में नहीं चलता। तो वह कहती है कि इस 2 दिन में तो क्या दे। राधा भाभी पूछती है, बुआ आप क्या देना चाहती हो, कपड़ा, चांदी का जेवर, या सिंगारदानी, या श्रृंगारदान, या कुछ भी, आप कैसा कैसा क्या देना चाहती हो वह बताओ। तो वह कहती है कि क्या देना चाहती हूँ माँ, जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान, या कोई चांदी की चीज, इसमें से मैं आपको बताऊँ कि क्या लाना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहते वो आप कहती है, मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही, जो कुछ पास है तुझे ला कर दे देती हूँ, जो तू तो ठीक समझे ले आना, बस बद नहीं उड़नी चाहिए, अच्छा देखू पहले की रुपये कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई, 2-3 कपड़ों की गठरिया हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला, उसमें से 7 रुपये की कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गई, रही समधियों के घर में इतने से रुपयों से बिंदी भी नहीं लगेगी। उसकी नजर अंगूठी पर गई, यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मुंह नहीं छोड़ सकी थी, आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया, फिर भी उन्होंने 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली। उस पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से, मेरे कौन कमाने वाला बैठा है, उस कोठरी का किराया आता है, इसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो, आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया है। तो अब समधी के वहां से आमंत्रण आएगा, न्योता आएगा तो जाना पड़ेगा, तो खाली आप नहीं जा सकते, कुछ तो लेकर ही जाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में वह कहती है कि तुम क्या देना चाहती हो। राधा भाभी ने जब पूछा तो कहती है, नहीं तो कुछ नहीं समझूरी, अब ये पुराने जमाने की बात है, आज नया जमाना हो गया, तो मैं तो कुछ नहीं समझूरी, पर तू नए जमाने की है, सब जगह पर चल जाती रहती है, तुझे जो ठीक समझे वो ले आना, बस इतना अच्छा ले आना कि बद नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इज्जत रहनी जानी चाहिए, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि 25 साल मरे हुए या संबंध को कट गए हुए
मगर बुआ ने अभी भी संबंध को संभाल रखा है और अच्छी खासी भेंट लेकर आई है, तो बंद नहीं होनी चाहिए। अपने आप पर कुछ भी बीते, अपने आप पर कोई भी नुकसान हो, मगर दूसरों के या संबंध में कोई प्रकार की कमी ना हो, इस प्रकार वह सोचती है और ये फिर अपने घर पर गई। अपने घर पर जाकर इसने अपना पिटारा खोला, अंदर दो चार गठरिया थी वह खोली, इसमें से कुछ बक्स था वो निकाला, बक्स पर ताला लगाया हुआ था वह ताला भी खोला, और ताला खोलने के बाद वो इसने अंदर टटोला तो देखा तो इस डिबिया में से रुपये निकले, 7 रुपये निकले, और वो 7 रुपये के साथ साथ कुछ देखा, बक्स में ताला खोला तो कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी थी। रेजगारी मतलब कि छोटे पैसे रुपये, और रुपये में केवल 7 रुपये निकले, 7 ही रुपये और एक अंगूठी थी। तो इतने जतन से इसने संभाल कर रखा था 7 रुपये, पिटारा पिटारे के अंदर ही कुछ बक्स में कुछ गठरिया, गठरिया के अंदर बक्स, बक्स पर ताला, ताला खोला और इसमें से इधर उधर करके देखा तो मात्र 7 रुपये और एक अंगूठी। इतने में इसने सोचा कि 7 रुपये में तो अगर मैं लाने के लिए जाऊंगी या देने के लिए जाऊंगी तो कुछ भी नहीं होगा, वे तो रही समझी है, एक बिंदी भी नहीं आएगी, एक तिलक करने के लिए बिंदी वह भी नहीं दे सकेगी, ऐसा कहेंगी, या तो कुछ जो हमारे यहाँ समाज में चांदला करने की जो बात होती है वह भी वह नहीं कर सकेगी, ऐसी बात वह करती है कि कुछ नहीं आएगा 7 रुपये में, सारे के सारे 7 रुपये दे दे तो, लेकिन कुछ देना तो पड़ेगा, आमंत्रण आएगा तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, खाली हाथ जा नहीं सकती, तो क्या करे, ऐसी बिल्कुल दुविधा में थी और उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। ये अंगूठी सोने की थी और ये कोई सामान्य अंगूठी नहीं थी, ये उससे मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी। देखो मित्रों कब किस हद तक वह एक अकेलापन या एकाकीपन दूर करने की कोशिश कर रही। उसका जवान बेटा चल बसा था जिसका नाम था हरखू, हरखू के चले जाने के बाद मात्र ही मात्र दुख और दुखी इसने झेला है, और आज समधी के यहाँ अपने देवर के ससुराल वाले आए हैं, समधी आए हैं उसके लड़की की शादी करने के लिए, और उसकी लड़की की शादी में कुछ देने के लिए जाने का है, तो उसको मिलती है एकमात्र मृत पुत्र की, अपने मरे हुए पुत्र की, मृत पुत्र की अंगूठी निशानी के, उसकी नजर वहां पर चली जाती है। आज कल इसके पास कुछ नहीं बचा है, और ये कोई सामान्य बात नहीं थी, इसके ऊपर सुमा हुआ पर बड़े से बड़े आर्थिक संकट भी आ चुके, मगर ऐसे आर्थिक संकटों के आने के बावजूद भी, आने पर भी इस सुमा हुआ ने इस अंगूठी पर से अपना मुंह नहीं छोड़ा था, नहीं ये तो मेरे पुत्र की निशानी है, उसे तो मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकूं, और ये इसने बेचने के लिए उसके पास और कोई इनकम देने की, हाँ मोह छोड़ने के लिए बेचने का विचार तो इसके दिल में आ गया, और दिल में आ गया तो इसका दिल एक बार धड़क भी गया, दुख भी हो गया कि ऐसे संबंध के लिए तू अपने मृत पुत्र की एकमात्र निशानी बेच देती है, दिल को सोचा हुआ, दर्द भी हुआ कि बेच रही है, पर अपने आप को संभाला, अपनी संवेदना को संकुचित कर दिया, संयम में ला दिया, संयत कर दिया, और उस अंगूठी को और 7 रुपये को अपने साड़ी के आंचल से बांधा, रुपये और ज्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, और भैया ये 7 रुपये अंगूठी तो बेटे की थी इसीलिए इसके पास पड़ी थी, मगर ये 7 रुपये भी उसके पास कहां से आए,
क्योंकि घर में आज कोई कमाने वाला नहीं है। जो हमने कहा कि ऊपर से राधा भाभी उतरी और राधा भाभी